नमस्कार, मैं विजेता और आप सभी का स्वागत करती हूँ IMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1967 में देश के पहले रॉकेट रोहिणी RH-75 का थुम्बा से प्रक्षेपण हुआ। मौसम और वातावरण के अध्ययन के लिए भारत ने इस रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। रोहिणी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित रॉकेट की एक श्रृंखला है। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1971 की जंग में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोला। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया। 55,000 नौसैनिकों से सुसज्जित यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। आज के दिन 1960 में गोवा के मारगांव के अगस्टिनो लॉरेंस ने पेरिस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि ली। लॉरेंसो ने डॉक्टरेट की उपाधि रसायन विज्ञान में प्राप्त की थी। यह विदेशी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले पहले भारतीय बने। 4 दिसंबर 1919 को भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का जन्म हुआ। गुजराल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह जेल भी गए। अप्रैल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर काम किया। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे। 4 दिसंबर 2017 को हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। शशि कपूर का असली नाम बलबीर राज कपूर था। जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे और राज कपूर व शमी कपूर इनके भाई। शशि कपूर के योगदान के लिए उन्हें पद्मभूषण पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन के साथ आई उनकी फिल्मों दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2 5 और शान फिल्मों ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। और अब आज का राशिफल। गुरुदेव श्री भारत ज्ञान भूषण जी ज्योतिष वैज्ञानिक द्वारा 4 दिसंबर दिन मंगलवार। आज का विषय है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। ग्रह कलेश की स्थिति उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46%। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। मन प्रसन्न बने रहने के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग जामुनी व सिलेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। अध्ययन में बाधाएं उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी। तुला, आपके उत्साह के लिए भाग्य 45%। सावधानी बरतें अन्यथा कोई बड़ा नुकसान होने के योग है। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी व लाल तथा निषेध रंग काला व नीला। धनु, आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%। व्यवहार में संयम बरते। शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैगनी। मकर, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। किसी हानि के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मेहरून व गुलाबी। कुंभ, आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%। आय में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%। मन अप्रसन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला जामुनी स्लेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:37 से 5:17 तक। धन्यवाद, आपका दिन शुभमय हो। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।